दोस्तों, क्या आप भी इस तरीके के फाइन बबल्स अपने बायोफ्लॉक टैंक या पॉन्ड में लाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एयरस्टोन और एरेशन मशीन के? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंचुरी एयर सिस्टम की। तो दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले एक बाय पॉन्ड इंची का टी की जरूरत पड़ती है। एक साइड इसमें से एयर रिलीज होती है और दूसरे साइड से पानी आता है, और ऊपर वाले साइड में जो पौन इंची वाला साइड है उसमें एक पाइप लगेगा जो पानी के ऊपर रहेगा। अभी जो ऊपर वाला पाइप है इसको 45 डिग्री पे आपको कट करना होता है। ये आप किसी मशीन या आरी के थ्रू भी काट सकते हैं। इसका एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमें किसी इरेशन पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कोई भी एयर पंप के अलावा कोई भी टुल्लू पंप या पानी फेंकने वाली मोटर से हम इसमें ये वेंचुरी सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमने कैसे इसमें 45 डिग्री का कट लगाया। अब इस पाइप को जब इसके अंदर डालेंगे तो क्योंकि इसका होल छोटा है और पाइप थोड़ा सा बड़ा, तो हम इस वाले होल को थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे ताकि ये पाइप इसमें नीचे तक बैठ पाए। अब इस मशीन के थ्रू हम इस होल को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। दोस्तों, अगर हमने ये पाइप ऊपर की तरफ रखा तो एक्चुअल में जो सक्शन है वो एयर का रिलीज नहीं हो पाता, प्लस पानी उतने एयर को खींच नहीं पाती जितनी की हमें ज़रूरत होती है। साथ ही साथ पाइप जो है उसको भी हम किसी भी घिसने वाली चीज़ से और थोड़ा पतला कर सकते हैं, और फिर कोशिश करें कि ये पाइप जो है इसकी बॉटम पे टच हो जाए, तल पे टच हो जाए। तो ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये जाके हमारे बॉटम पे टच होना चाहिए। अब दोस्तों, जिस तरफ से ये पाइप टच होगा उस तरफ से पानी आएगा, और ये जो होल है यहाँ से पानी रिलीज होगा, यानी कि इस तरफ से पानी इन होगा और इसके अपोजिट साइड से जहाँ पे कट लगाया हुआ हमने वहाँ से पानी बाहर होगा। अभी काम कैसे करता है, जब पानी का प्रेशर पीछे से आता है तो एक्चुअल में ये जो होल है इधर से ये वैक्यूम क्रिएट करता है और वो वैक्यूम एयर को पुल करता है, और पुल करने के साथ साथ वो एयर को खींच के आपके पानी में रिलीज करता है। इस बात का ख्याल रखें कि ये जो पाइप है इसमें थोड़ी सी लूजनिंग हो, ताकि पाइप को आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके एयर बबल्स चेक कर पाएँ कि ये कितने आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा वेंचुरी सिस्टम तैयार है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे बनाना सीख गए होंगे। आप आसानी से इसे अपने एक्वेरियम में, बायोफ्लॉक टैंक में या पॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।